कुणाल की फ्रेंड भी आई, कल हमें मिलना था। मन मचल गया क्या आप लोगों का भी? बाइकर इज अ बाइकर, सब सेम है, सब सेम है। रास्ते ऐसे हो और साथी अगर ऐसा हो तो कहाँ से थकान होगी। कुछ भाई लोग मिल गए, वो देखते ही इतना क्रेज आया उन लोगों को कि वहाँ से रोड कूद के आ गए मिलने के लिए। घुप अंधेरा और सुनसान रास्ता है भाई। चेन खोल रहा था और पीछे से पैसा बाकी रुके और एकदम से मैं चौंक गया कि ये पीछे से क्या हुआ। दुबई से जयपुर आए, जयपुर से फिर हमारे साथ यूं सीधा। हमारे व्लॉग में मैं और मेरे व्लॉग में तुम। हर दिन की शुरुआत होगी कॉफी से। चीयर्स। और ये देखो यार, नेचर वाली मॉर्निंग कितनी सही, चिड़ियों की चहचहाट और उधर हल्की सी एक परत कोहरे की, ऊपर ये सनराइज। ये है कुणाल का घर, कुणाल की फ्रेंड भी आई, कल हमें मिलना था बट कल मैं लेट हो गया था तो मिल नहीं पाया, अभी मिलने के लिए आया। इधर ये मल्टी टैलेंटेड बॉय ध्रुव, इधर अपनी बाइक खड़ी है, अभी बाइक को अपन निकाल रहे हैं। भाई आज तो पूरे दिन राइड करनी है तो उससे पहले चमकाना जरूरी है भाई अपनी ड्रीम को। यू आर अ मेल, तो एक बाइकर आपके अंदर हमेशा होता है, अब जब मौका मिलता है ना तो वो निकल के आता है। सर के साथ इतनी सारी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि अपनी एज में सर को ही बहुत तगड़ा शौक था और बहुत लंबी लंबी राइड सर ने भी करी हुई है। लंबी राइड हो तो भाई लगेज ऑलरेडी इतना हो ही जाता है। ये उधर कुणाल ने अपनी लगेज पैकिंग शुरू कर दी, अब मैं भी अपनी लोडिंग शुरू करता हूँ। तो खम्मा खनी एंड खुरम जरी में हम शुरू करते हैं आज का व्लॉग। एक्साइटिंग होने वाला है, एक्चुअल में डे टू है और वैसे डे टू है गोवा के लिए, इंडिया बाइक वीक के लिए। सब रेडी हो गए हैं वहाँ कुणाल, और कुणाल को सी ऑफ करने के लिए कुछ एक फ्रेंड्स भी आ गए हैं। सर के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो गई है, मिलेंगे जयपुर में हम लोग भी, बट पहले एक बार आप लोगों से गोवा मिलने वाले हैं अपन। ओके, माइक चेक, माइक चेक। गाड़ी अपन ने कोल्ड स्टार्ट कर ली है, इनफैक्ट एक दो चक्कर पहले काट लिए, सर को भी राइड करा के लेके आए थे, एक छोटी सी सिटी राइड। अब रेडी है अपनी आज की राइड के लिए, आज पूरा दिन राइड करने वाले हैं। चलो आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। चलो बाय बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऑलराइट, अब निकल रहे हैं हम ब्यावर से बाहर और ये फ्लाईओवर, यहाँ से नीचे उतरते ही ले लेंगे हम लोग सीधे हाईवे, टोल रोड स्टार्ट। रूल नंबर 1 कह लो, 2 कह लो, 3 कह लो, 4 कह लो, 5 कह लो, सारे रूल लगा लो। जो भी पहले पेट्रोल पंप मिले वहाँ टंकी फुल करा लो। बस बस बस, ठीक है, हो गई फुल। यहाँ पे 108 रुपये लीटर ही है और ये आ गया मेरा 11 लीटर। गाइस ध्यान रखिएगा, 1270 रुपये का सेकेंड डे फ्यूल डलाया है, 11.68 लीटर। हालांकि रास्ता अभी बन रहा है बट फिर भी क्या सीनिक व्यू है यार, यूं आड़े तिरछे टेढ़े मेढ़े रास्ते और ये व्हाइट लाइंस। ऐसे में हम दो बाइकर्स एक दूसरे को आगे पीछे फॉलो करते हुए, सही मजा आ रहा है मेरे भाई। बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहा था यार ऐसी एक लंबी राइड, और ऐसा एक साथ में जोड़ीदार हो जिसके साथ में यूं जुगलबंदी करते हुए साथ में राइड करें। मन मचल गया क्या आप लोगों का भी? टाइम का तो अंदाजा नहीं है बट काफी देर हो गई है, पेट पूजा की भी जरूरत पड़ रही है। अप्रॉक्सीमेटली 70-80 किलोमीटर हम लोग ब्यावर से आ गए हैं और यहीं पर ही एक पिट स्टॉप रेस्टोरेंट कैफे, यहाँ पे थोड़ी सी चेन ल्यूबिंग वगैरह भी हो जाएगी और पेट की भी पूजा हो जाएगी। भाई पे ऊपर वाले की कृपा, हेलमेट लगाने के बाद भाई बिना कैप के अगर ब्लॉग कर लिया ना तो आप देख के भाग जाओगे, बट भाई के बाल देखो एज इट इज खेतों की तरह लहलहाते हुए। फिलहाल पिट स्टॉप कैफे पहुंच गए हम लोग, ब्यावर से करीब 70-80 किलोमीटर आते हैं और उदयपुर यहां से 125 किलोमीटर आ गया। हाँ तो हम लोगों का उदयपुर मिलने का है वैसे प्लान, जो कुछ और राइडर जयपुर से निकल चुके हैं जिनके साथ में हमें आज आगे और जाना है, गोवा तक जाना है इनफैक्ट, उनको हम लोग अभी रास्ते में कहीं कोऑर्डिनेट करेंगे। फिलहाल चाय कॉफी ऑर्डर कर लिए, चेन ल्यूब और जो भी इसकी क्लीनिंग वगैरह का काम है वो भी एक बार हम लोग कर लेते हैं। पुरानी विंटेज बुलेट तो यहाँ पे खड़ी है बट एक बहुत तरीके की चीज दिखाऊं मैं, ये देखो यहाँ वॉलपेपर पे इन लोगों ने जो क्रिएटिविटी करी है, और उधर वहाँ आप देखोगे ये देखो टूल, टूल्स को इस तरह से लगा रखा है। मैं भी अपने घर में यार ऐसा ही कुछ कराने का प्लान करूंगा। एक और भी बहुत तगड़ी चीज दिखाता हूँ, एंटर करते ही आप लोगों ने शायद देख लिया होगा, चेवरलेट डॉज 1934, और ओरिजिनली गाड़ी यहाँ पे कंडीशन ऐसी खड़ी है डिस्प्ले के लिए कि आप लोग अपने आप को रोक नहीं सकते इसे कवर करने के लिए। जिनको एक्चुअली गाड़ी का शौक है ना तो भाई, भैया लेके आ गए हैं ब्रेकफास्ट, हम लोग मजा लेंगे ब्रेकफास्ट का, बट यहाँ पे खुली है ना तो हवा अच्छी चल रही है, तो भाई प्रोटेक्शन ले ली है, लाइनर भी पहन लिया है, बिकॉज भाई गोवा जाना है, अभी फुल ऑन फन करना है, बीमार हो गए ना रास्ते में।
वाट नहीं लगवानी अपनी। अच्छा ग्रेट जेस्चर यार भीम, हम लोगों को ज्यादा आइडिया था नहीं तो हम लोग जल्दबाजी में क्रॉस करके आ गए। वहाँ जो एक भाई आया है ना, वो वैसे कुणाल का सब्सक्राइबर है, बट हाँ हम लोगों से मिलने के लिए 20-25 किलोमीटर भीम से आया है। क्या नाम है आपका? बाइकर इज अ बाइकर, सब सेम है, सब सेम है। आई एम इम्प्रेस्ड एंड द बेस्ट पार्ट, भाई पूरे राइडिंग गियर्स में आया है। चलेगा लेकिन सबसे पहले अपनी सेफ्टी गियर्स के लिए पैसा करती है, ये बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा है। भर के बटर वाले पराठे, चाय और उसके बाद जो आलस आ रहा है अब। नहीं, आलस नहीं करना है अपने को, अभी अभी आगे और बहुत जाना है और गोवा के लिए तो फुल ऑन एनर्जी बचानी है। क्या तालाब है? ओए ये तालाब नहीं, ये तो बांध है भाई, बांध। दूर तक पानी पानी पानी, पहाड़ों के बीच में पानी, कितना सुंदर लग रहा है। और इधर बीच में रोड और इस तरफ फिर से पहाड़, अमेजिंग यार। गाइस गोप्रो से मन नहीं भर रहा था इसीलिए अब इस पे कैमरे पे व्लॉग कर रहे हैं। इस तरफ देखो पानी 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 और आगे तक सिर्फ पानी है और इधर हम लोग। चलो राइडर फ्रॉम आरजे अपन मिलेंगे। रास्ते ऐसे हो और साथी अगर ऐसा हो तो कहाँ से थकान होगी भाई, कहाँ से थकान होगी। जोश इतना आएगी भाई, अभी तो लंबा चलो, रात भर भी चल सकते हैं। बाकी हाँ काफी लोग पूछ रहे थे कि आप बाइक से जाओगे, इतनी दूर जाओगे, थकान नहीं होगी, कमर नहीं दुखेगी। चला के देखो भाई, मजा आ जाएगा, ना मजा आए तो फिर नाम बदल देना। बीच बीच में राइड करते रहता था बट इतनी लंबी राइड करे हुए काफी टाइम हो गया था। इस बीच में कॉन्फिडेंस की भी वाट लग गई थी भाई। अब दो दिन से जो राइड कर रहा है ना, अब कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता जा रहा है। अभी लग रहा है कि यस मुझे अपनी पुरानी ताकतें याद आ रही है। वेलकम टू नाथ द्वारा। आप लोगों को शायद दिखे थोड़ी सी धुंधली है बट बहुत बड़ी महादेव जी की मूर्ति, नाथ द्वारा की पहचान। बच्चों का क्रेज देख के ना हमें भी क्रेज हो जाता है यार कि हमारा भी क्रेज है मार्केट में। अभी हम लोग नाथ द्वारा एंटर कर रहे थे, कुछ भाई लोग मिल गए, वो देखते ही इतना क्रेज आया उन लोगों को कि वहां से रोड कूद के आ गए मिलने के लिए। अभी अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, ऐसे ही रास्ते में लोग मिलते जाएंगे, उन लोगों के साथ में जुड़ते जाएंगे। ऑलराइट ये एंटर कर रहे हैं अब हम लोग उदयपुर। उदयपुर पहुंच गए हैं, एंटर कर लिया है बट थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया दूसरी वाली टीम को। वो लोग यहाँ आने वाले थे और यहाँ से हम लोग अहमदाबाद जाने वाले थे, वो एक कट आगे निकल गए तो वहाँ से अब जा रहे हैं वो लोग एमपी की तरफ, रतलाम की तरफ। हम एज इट इज जो प्लान किया था अहमदाबाद उसी तरफ को ही निकल रहा है, बट ठीक है। अब उनका वेट करने के लिए जहाँ हम लोग रुके थे एक छोटा सा ब्रेक एक्चुअली रेड बुल ब्रेक। बाय द वे हम लोगों ने कुछ खाने पीने का ऑर्डर कर दिया, अब वापस से निकलने की तैयारी। अरे बाप रे इसको सीधा करना ना इस लगेज के साथ में, ये भी बहुत बड़ी मशक्कत है। ऑलराइट फिलहाल हम लोग ले रहे हैं उदयपुर के बाहर बाहर से, यहाँ विजिट करने के लिए वापस से आएंगे, वो भी कुणाल के साथ ही आएंगे बिकॉज कुणाल पहले यहाँ रहता था तो यहाँ का चप्पा चप्पा जानता है भाई हमारा। अरे भाई साहब उदयपुर से पता नहीं कब तक निकलूंगा बट हाँ आज आत्मा जरूर बाहर निकलने वाली है। इतने गड्ढे हैं इस रास्ते में, दो बार तो यार बाइक नीचे से टच हो गई। जस्ट हम लोग उदयपुर से बाहर निकल ही रहे थे, इधर नीचे डूंगरपुर का रास्ता जाएगा, रास्ते में जो भी मिला भाई फोटो खिंचवाने के लिए आ गया तो हमने भी कहा मोस्ट वेलकम है, आ जाओ। ओ देखो एक और भाग्य आ रहा है। बाकी हाँ भाई अब थोड़ा ठीक लग रहा है, रास्ता जितना खराब था ना उससे कहीं ज्यादा तो बॉडी में पेन हो गया। ये लो जी भैया फ्यूलिंग टाइम, फ्यूलिंग भी करा ली, थोड़ा हाथ मुंह भी धो लिया एकदम, अब बैटरी चार्ज हो गई है। इसी बीच में सितेश भाई से भी बात हो गई, जो भी बीच के कंफ्यूजन थे ना वो सारे हमने खत्म कर दिए। हम लोग अब यहाँ से सीधे वडोदरा के लिए प्लान कर रहे हैं, वो लोग भी वडोदरा आ जाएंगे। ऑलमोस्ट टाइमिंग हम लोगों की आपस की 9 बजे की रहेगी, बीच में हम लोग 6:30 बजे के आसपास जब भी चाय के लिए रुकेंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे। GoPro की तो बैटरी हो गई थी डाउन तो उसी को ही चार्ज करने के लिए यहाँ पे रुक गए थे। ये लोकेशन कौन सी एक बार अंदर जाके पूछना पड़ेगा। ये बड़ा अच्छा सा कैफे है जिसमें मैंने अपना फोन भी चार्ज कर लिया बिकॉज GPS लगातार हम लोग चला रहे थे। भैया ये कौन सी जगह है? गुजरात में ये जगह का नाम फिर से भूल गया यार। अब वापस से तैयारी है राइड की, चले
अभी यहाँ से वडोदरा है 170 किलोमीटर और 3 घंटे बता रहा है, यानी कि रात को 10 बजे तक हम लोग पहुँचेंगे। आज तो भैया बल्ले बल्ले है, पूरे दिन राइड करी है, पूरे दिन घुप अंधेरा और सुनसान रास्ता है भाई। जस्ट अभी अभी सितेश भाई से भी बात हुई, वो लोग भी थोड़ा सा ऐसे ही कुछ रास्ते में है, तो वो लोग भी थोड़ा सा सोच में थे कि क्या करना है। तो अभी वडोदरा से पहले हम लोगों ने डिसाइड किया है कि गोधरा मिलते हैं, वहाँ से आगे रास्ता देखते हैं कैसा है, अच्छा है तो निकलेंगे, नहीं तो फिर रुकेंगे। बैग रख दिया अपना देवी के चरणों में। अभी फिलहाल ये देखो बहुत सारे मच्छर हो रखे थे, इसकी एक बार सफाई कर लें। जस्ट ये बैग से कैब लेने के लिए चेन खोल रहा था और पीछे से भाई साहब आके रुके और एकदम से मैं चौंक गया कि ये पीछे से क्या हुआ। भाई अभी गोधरा तो नहीं पहुंचे हैं, गोधरा अभी यहाँ से 20-21 किलोमीटर है, बट रास्ता बहुत ज्यादा डार्क है, तो इसीलिए वाइजर वगैरह क्लीन करने के लिए मैं रुक गया था। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अरे ये तो आपने हिंदी में बोल दिया, गुजराती में लाइक शेयर और जो सब्सक्राइब करी दे जो ठीक है, क्या कर दीजिए जो ऑलराइट। अभी वाली जगह के बाद अब रास्तों में थोड़ी सी रोशनी है, थैंक यू लैम्पोस्ट, थैंक यू। लाइट नहीं थी तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, अभी लाइट के आने के बाद थोड़ा इजी हो रहा है राइड करना। जैसे तैसे गोधरा तो एंटर कर लिया हम लोगों ने, बट फिर भी अभी बहुत सारे कंफ्यूजन हैं। वो लोग अभी पहुंचे नहीं है और कब तक पहुंचेंगे इसका भी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, तो अभी हम लोग पहले एक होटल ढूंढते हैं, वहां पे स्टे का देखते हैं, फिर डिनर विनर भी करते हैं, तब तक उन लोगों का भी स्टेटस पता चलेगा, फिर उसके बाद आगे कुछ देखते हैं। ओफो, शर्ट की हालत देखो भाई, पूरी वाट लग चुकी है। सुबह 8 बजे से आज रात को 9 बजे तक हम लोगों ने राइड किया है। ये रूम है भाई, यहाँ हम लोगों ने 6 जनों का रूम बुक किया है और उधर आगे वॉशरूम हो जाता है। बाकी हाँ, अब जैसे तैसे रूम पे पहुंच गए हैं सितेश भाई, और जब तक आते हैं तब तक हम थोड़ा रिलैक्स होते हैं, उनके आने के बाद हम लोग डिनर करेंगे, फिर उसके बाद आगे का बताते हैं। हमारी टीम पहुंच गई है, फाइनली पहुंच गए। बट यार कमाल किया ना कुछ भाई, दुबई से जयपुर आए, जयपुर से फिर हमारे साथ यूं सीधा रेडी फॉर IVW, ये होना चाहिए जोश। आ गई टीम हमारी भी, एडवेंचर राइडर्स का तो ठीक है, अपने हाल बताओ जरा। सुपर स्पोर्ट ऑलमोस्ट पूरे दिन चलाई है सुबह 4-5 बजे से। अरे यू कैन डू इट, बट अभी और क्या चाहिए ये बताओ मुझे, वॉलनी वगैरह कुछ। ये आ गई भाई हमारी पूरी टीम, दिन भर तो राइड अलग अलग कर ली, बट हाँ रात आज साथ में सोएंगे सब। सुबह मिली कहाँ फॉग, हम लोगों को तो ब्यावर की तरफ नहीं मिली। कुणाल बाबू थकान हो रही है तो देखो भाई लोगों, ग्रुप आ गया है, अब ये बकर हमारी चलती रहेगी। फिलहाल आज का व्लॉग अब हम यहीं पर ही एंड करते हैं, अब कल नई जर्नी जो शुरू होगी उसमें क्या एडवेंचर होगा उसके लिए आप नेक्स्ट सीरीज देखिएगा। अभी के लिए खंबा कनी एंड खुरम जरे में हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। See you tomorrow.